हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी, आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से स्टार्ट करके आपके लिए जितना भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो एक एक सेट मैं दूंगा, धीरे धीरे करके चैप्टर वन से हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था और आज हम लोग चैप्टर एट पर पहुंच गए, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के सेट पर पहुंच गए। और यह VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 8 पॉइंट बन है स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग 8 चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो 9th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी इस एमिंग हाई हिंदी YouTube चैनल के बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, उसके बाद या तो प्लेलिस्ट में जाकर, और अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिलता स्टूडेंट्स तो प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के अंदर क्लास वन से यानी कि सेट वन से सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख देख कर कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चंस देखते हैं। और सारे पुराने नए स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो जहां भी देख रहे हैं YouTube पे, Facebook पे या एमिंग हाई ऐप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, वहां से वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जल्दी से शेयर करके और अपने फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर बताइए, ताकि वो भी कम टाइम में डिटेल तरीके से फिजिक्स को सीख सके क्वेश्चंस के जरिए। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन है कौन नहीं है स्टूडेंट्स, इसे अभी हम लोग गोली मारते हैं और इस बात को बस हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। देखिएगा, समझिएगा स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। जैसे कुछ तरंग ऐसे होते हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बहुत जरूरी है, मतलब कि बिना माध्यम के वो नहीं चल सकता है, उस तरंग को मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसे मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल है साउंड। जैसे कि साउंड बिना हवा के आगे नहीं बढ़ता है, हाँ साउंड को आगे चलने के लिए हवा बहुत जरूरी है, तो साउंड हमारा एक मैकेनिकल वेव में आता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग को बोलते हैं जो कि बिना माध्यम के भी चल सकता है। बिल्कुल सही सुने स्टूडेंट, बिना माध्यम के भी चल सकता है और ऐसे तरंग को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जो बच्चे जानते थे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में उनके लिए ताली, और जो नहीं जानते थे उनको मैं कह दूं कि आज के बाद याद रखिएगा कि वो तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, उस तरंग को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है यश मनीष सर, या मेरे अंदाज में बोलेंगे सर 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 यश मनीष सर, ठीक है हम समझ गए कि जिसको चलने के लिए माध्यम का जरूरत होता है उसे यांत्रिक, और जब माध्यम का जरूरत नहीं होता है तो उसे सर अयांत्रिक क्यों नहीं बोलते हैं। सर विद्युत चुंबकीय के पीछे कोई वजह है यश मनीष सर, जो विद्युत चुंबकीय तरंग बोल रहे हैं इसके किस पीछे कोई वजह है। यस मेरे स्टूडेंट्स, के पीछे वजह है। वजह क्या है ना, कि जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जब यह तरंग आगे बढ़ता है तो इसके साथ ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसे ई से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी से जिसे दिखाते हैं, ये दोनों एक तरीके से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आज के बाद यह बात याद रखना है कि वो तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, बिना माध्यम के चलता है, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। और इसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए पड़ा क्योंकि इस तरंग में हमेशा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों जुड़ा हुआ रहता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना आपका, इसमें जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, इसका जो दिशा होता है वो लंबवत होता है, इसके बारे में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग, क्योंकि ध्वनि एक ऐसा तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, यानी ध्वनि हमारा यांत्रिक तरंग है, परंतु प्रकाश, एक्स किरण या अवरक्त किरण, ये सब के सब मेरे डियर स्टूडेंट्स विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिना माध्यम के चलता है। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, इसमें कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है, कैसा हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये जानिए कि तरंग तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि माध्यम के अनुसार दो तरीके का होता है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय, उसे हटाते हैं। तरंग में ना जो कंपन होता है उसके अनुसार भी तरंग को दो तरीके में बांटा गया है, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वैसे तरंग को बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें, जैसे मान लीजिए अगर तरंग इधर चल रहा है तो जो वाइब्रेशंस हो रहा है पार्टिकल्स का, कण का, जिस माध्यम में तरंग चल रहा है उस माध्यम के कण का जो वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, वो तरंग के चलने के लंबवत दिशा में अगर हो रहा है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग वैसे बोलते हैं जिस तरंग में जिधर तरंग चल रहा है माध्यम के कण का कंपन भी उसी दिशा में हो, लंबवत नहीं, जिधर तरंग चल रहा है उसी दिशा में, जैसे साउंड में होता है, आप लोग सुने होंगे जब हम ध्वनि बोलते हैं तो ध्वनि में हवा उधर ही की ओर कंपन करता है जिधर की ध्वनि चलता है, इसलिए ध्वनि हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में जो कंपन होता है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का, अभी मैंने ऊपर बताया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो बिना माध्यम के चलता ही चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम जरूरी नहीं है, और दूसरा कि उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कंपन होता है और प्रकाश के चलने के लंबवत दिशा में होता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने के लंबवत दिशा में होता है स्टूडेंट, इसीलिए इससे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है ना वो एमिंग हाई ऐप डाउनलोड करके चाहे तो पीडीएफ कोर्स को चेक कर सकते हैं, एक बार उनको सारा एक ही बार में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मात्रक होगा, मतलब कि हमको एक चीज तो पता है स्टूडेंट कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये उसे तरंग को बोलते हैं जिसमें माध्यम, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं होता है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी भी कंपन करता है और विद्युतीय क्षेत्र ई भी कंपन करता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा प्रकाश इधर चल रहा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई भी कंपन करता है, दोनों कंपन करता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा यहां पे कि जो E by B होता है ना, E by B मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, ये प्रकाश का चाल यानी C के इक्वल होता है। तो E by B हो गया स्टूडेंट C के इक्वल, और C का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी E by B का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। लगे हाथ एक में दो दो नॉलेज, पहला नॉलेज ये कि E by B का जो अनुपात होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, और प्रकाश का जब चाल है तो चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन क्वेश्चन में E by B नहीं बल्कि B by E का मात्रक पूछ रहा है, तो वो मीटर पर सेकेंड नहीं मेरे डियर स्टूडेंट, सेकेंड पर मीटर, मतलब सेकेंड बाई मीटर, सेकेंड पर मीटर होगा, या यही मीटर ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड का मीटर का पावर माइनस वन होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पर मीटर। हाँ हाँ, देखिए ना E by B मीटर बाय सेकेंड, तो B by E निकाले तो आपको तो आपको नहीं लगता है कि सेकेंड बाय मीटर हो जाएगा, खुद देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको नहीं लग रहा है क्या। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, देखते देखते आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। कह रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग तो हम लोग जानते हैं जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पहले के लोगों को लगता था ना कि जो प्रकाश है वो यांत्रिक तरंग है, मतलब कि बिल्कुल ध्वनि के जैसा स्टूडेंट, जैसे ध्वनि प्रकाश को, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, वैसे लोगों को लगता था हाँ हाँ बिल्कुल कि प्रकाश को चलने के लिए भी माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ना 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 ना, प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। और वो जो वैज्ञानिक थे मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, वो थे मैक्सवेल। मैक्सवेल सर ने यह सबसे पहले बताया कि प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैथमेटिकली प्रूव किया था मैक्सवेल सर ने। हाँ, हर्ज सर का भी बहुत योगदान है, हर्ज सर भी विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। हर्ज सर वो पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग बनाया,
विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बनाया और लाइट को भी लिया और दोनों का गुण जब अध्ययन किए तो देखें कि दोनों का गुण समान है, यानी कि प्रयोगशाला में हर्ट्ज सर ने प्रूव किया कि प्रकाश सच में विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो मैक्सवेल सर ने भी बताया और हर्ट्ज सर ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रयोगशाला में प्रयोग के जरिए उन्होंने बताया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किए? तो अभी मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, इसको बताने वाले साइंटिस्ट हर्ज थे, हर्ज प्रयोगशाला में हर्ज, और सबसे पहले जो प्रूफ बताए थे वो मैक्सवेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख के देख लीजिए स्टूडेंट्स, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स में, शेयर नहीं किए हैं तो आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, आपका एक छोटा सा प्यार हमारे अंदर की शक्ति है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन सबसे अधिक आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसका आवृत्ति सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा कि इसमें डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे, जैसे देखिए प्रबैंगनी किरण, अवरक्त विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण, तो ये जितना भी है सबके सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसमें गामा किरण है इसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है गामा का। अगर वेवलेंथ बोलता तरंगदैर्ध्य तो गामा का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। याद रखेंगे मेरे बच्चे कि गामा जो लाइट है इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे अधिक होता है और तरंग दर्ज इसका सबसे कम होता है। अगर इस बात को समझ गए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गामा से के बाद आता है एक्सरे, और एक्सरे जो होता है ना स्टूडेंट्स इसका गुण लगभग गामा के इक्वल मिलता है, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि गामा का जो तरंग दर्ज़ ये काफी कम होता है और एक्सरे का तरंग दर्ज़ गामा से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा किरण है या कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका गुण गामा के साथ मिलता है, या फिर एक्सरे का गुण किसके साथ मिलता है, तो गामा के साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, याद रखिएगा कि गामा किरण की आवृत्ति ज्यादा होती है और तरंगदर्ज कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक्स किरणों का गुण वैसे ही होते हैं जैसे गामा किरणों के होते हैं, ये अभी भी मैंने ऊपर बताया और सारे बच्चे याद भी रखेंगे कि एक्स किरण का गुण और गामा किरण का गुण लगभग एक समान होता है। आ गए अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर में, इसमें कहा जा रहा है एक्स किरणों के तरंगदर्ज का क्रम होता है, मतलब क्या ऑर्डर होता है, ये कह रहा है स्टूडेंट्स, एक्स किरण का जो तरंगदर्ज होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, एंगस्ट्रम का ऑर्डर होता है। याद रखिएगा एंगस्ट्रम का, समझ रहे हैं ना, एंगस्ट्रम का। आपसे ऊपर ही मैंने बताया कि पूछेगा कि सबसे कम तरंगदर्ज किसका होता है, तो याद रखिएगा गामा का, और उसके बाद हमारा एक्सरे का, उसके बाद उससे कम थोड़ा होता है, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा होता है एक्सरे का, सबसे कम ऊपर जो मैंने बताया गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक्स किरणें बनी है ऑप्शन ए में ऋणाविष्ट कणों से, धनाविष्ट कणों से, विद्युत चुंबकीय विकिरण से, न्यूट्रॉन की धारा से, विद्युत चुंबकीय विकिरण से। एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो वेव, प्रबैग्नी, ये सब जितना भी है ये सब को चलने के लिए माध्यम की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, ये सब तो बिना माध्यम के चलता है ना ये सब विकिरण, इसलिए विद्युत चुंबकीय विकिरण से एक्स किरण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, 10 नंबर क्वेश्चन में आ गए, 10 में कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट ई क्रॉस बी के समांतर, विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा ई वेक्टर और वी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके समांतर चलता है। अगर नहीं आपको समझ में आया तो मैं बता दूं कि अभी हम लोग जानते हैं, ऊपर भी बताया और आप लोग को भी पता होगा कि जब कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंग चलता है तो इसके साथ विद्युतीय क्षेत्र, मतलब ई वेक्टर, ये जो विद्युतीय क्षेत्र हो गया ओके, और चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं अब बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों जुड़ा हुआ होता है ओके। और ये देखिए लाइट या फिर विद्युत चुंबकीय किरण के चलने की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तीनों एक दूसरे पे लंबवत होता है एक्स वाई जेड अक्ष की तरीके से। तो हमेशा जब ई क्रॉस बी करेंगे, जैसे आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ई क्रॉस बी करेंगे स्टूडेंट, तो ई क्रॉस बी ऑलवेज विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के दिशा को बताता है।
आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सारे बच्चे बताइए। कह रहा है क्वेश्चन में कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी चुंबक शीलता म्यू नॉट तथा परावैद्युतता सोलेनोइड के बीच क्या संबंध होता है। देखिए क्या संबंध होता है स्टूडेंट्स, इसे पहले सुन लीजिए बढ़िया से। होता क्या है ना कि प्रकाश का जो चाल होता है ना निर्वात में, वो वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर सोलेनोइड इनटू म्यू नॉट के इक्वल होता है। आप जहां भी अपने सर से पढ़े होंगे, आपके सर आपको बेहतर तरीके से पढ़ाए होंगे कि प्रकाश का जो चाल सी होता है वो वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर सोलेनोइड इनटू म्यू नॉट के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स मतलब कि यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो इधर सी स्क्वायर होगा, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर तो वन होगा, नीचे का रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। और यहां से चेक कीजिए तो आप सोलेनोइड इनटू म्यू नॉट इनटू सी स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, यानी इसका आंसर सही सी हो जाएगा। ये देखिए सी। तो ये फार्मूला सब बच्चे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे। तो आई होप मेरे स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर नहीं कीजिएगा तो मुझे ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो समझ समझ कर अच्छे से पढ़ने में बिलीव रखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, जहां भी हो सके जल्दी से शेयर कर दीजिए, सबके पास वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड होकर आगे आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहूं, सिखाते रहूं, समझाते रहूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो का आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।